लोग वहां के अय्यप्पा जो भी देवी देवता हैं वो, और उनको देवियों से खतरा हो रहा है। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि एक पाषाण मूर्ति, उसको आप पहले तो ईश्वर की संज्ञा दे रहे हैं। ईश्वर तो सृष्टि करता है, ईश्वर तो स्वयं न तो स्त्री है न पुरुष है ना? सभी मान्यताओं में कोई गॉड को मेल या फीमेल कुछ नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर उन्होंने उसको एक ऐसा नैश्चिक ब्रह्मचारी पुरुष बता दिया, जो औरत यदि वो रजस्वला है तो उसको देखते ही वो घबरा जाता है, उसका ब्रह्मचर्य खतरे में पड़ जाता है। अब इस हेतु को कितना हास्यास्पद है कि जो सृष्टिकर्ता परमात्मा की उपमा के साथ आप उस मूर्ति को जोड़ रहे हैं, पाषाण प्रतिमा को, जो पाषाण प्रतिमा न हिल सकती न डुल सकती अपने आप, न खा सकती न पी सकती न चल सकती न एक शब्द बोल सकती, कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन वो ये एक ही काम कर सकती है कि उसको 11 साल की लड़की दिख जाए या 50 साल से कम की औरत दिख जाए तो उसका ब्रह्मचर्य खतरे में पड़ जाता। ये कैसा देवता है, कैसा भगवान है, कैसा अय्यप्पा है, ये बहुत ही हास्यास्पद बात हो रही है। मुझे लगता है कि आज समाज को एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, धर्म सुधार की जरूरत है। जब हमने 1987 में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन, जी मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था। दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि क्या आप इसको देवराला में जिस तरीके से आपने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था उस समय भी आपके समर्थन में कोई नहीं आया था। खैर यहां पर तो मामला दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, पर उसमें उस समय भी सारी राजनीतिक पार्टियां चुप थी, पूरा हिंदू समाज चुप था। कुछ ही मामला कुछ इसी तरीके का यहां पर भी आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको लेकर बीजेपी और आरएसएस खुल्लम खुल्ला इनके विरोध में है। लेकिन मैं बता रहा था 1987 में जब देवराला में रूप कुंवर नाम की 17-18 साल की लड़की को जिंदा जलाया सती प्रथा के नाम पर, और तत्कालीन जो शंकराचार्य पुरी के थे निरंजन देव तीर्थ, उन्होंने उस सती कांड का महिमा मंडन करते हुए उसे भारतवर्ष की गौरवमयी सती प्रथा बताया और उसका कहा कि पुनर्जीवन होना चाहिए, फिर से चालू होना चाहिए। तो उस समय जब हमने घोषणा की थी तो मुझे याद है हम 5 दिसंबर को यहां दिल्ली से प्रस्थान करने वाले थे, तो 2 या 3 दिसंबर को इसी कमरे में इन्हीं कुर्सियों पर वहां से धर्म रक्षा समिति बना करके और बड़े बड़े जो नेता थे राजपूत वो आ गए, रिटायर्ड आईएएस थे उसमें कई, और इस तरह के लोग आके मुझे धमकाने लगे कि यदि आपने राजस्थान की धरती पर कदम रख दिया तो आपका स्वागत नंगी तलवारों से होगा। और सचमुच में जब मैं पैदल चला दिल्ली से जयपुर की तरफ और आगे सीकर के और देवराला की तरफ, तो जैसे ही राजस्थान की सीमा आती है शाजापुर बीच में, तो मैं देख रहा हूं टीले के ऊपर 200-250 राजपूत अपने नंगी तलवारों को लेकर के और ललकार रहे थे मुझे। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री, मैं उनको आज के दिन याद करता हूं विशेष रूप से, उन्होंने हमारे 101 सन्यासी आर्य समाज के जो हम चल रहे थे लगातार पैदल, हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने घुड़सवार पुलिस लगा दी और उसके डर के मारे कोई हमारे नजदीक नहीं आ पाया तलवार वाले। लेकिन शाजापुर में जब सर्किट हाउस में हमारी मीटिंग खत्म हो गई, मतलब मंडी में, मैंने सर्किट हाउस में उन राजपूत नेताओं को बुलवाया, 8-10-12 लोग आए। मैंने उनसे कहा कि आज आपके देवराला गांव में हमारी रिपोर्ट के अनुसार 50 के लगभग बाल विधवाएं हैं और उन बाल विधवाओं के ऊपर इतनी सख्त पाबंदी है कि सर्दी के दिनों में, दिसंबर की बात मैं बता रहा हूं, सर्दी के दिनों में उन्हें 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, फटी हुई सफेद साड़ी पहन के दीवार की तरह मुंह करके बैठना पड़ता है ताकि सुबह सुबह लोग काम पर निकलें तो किसी के ऊपर उनकी दृष्टि न पड़े, उसका दिन खराब न हो। इस प्रकार से आप अत्याचार कर रहे हैं अपनी बेटियों पर, अपनी बच्चियों पर। आप लोगों को यदि सचमुच में लगता है कि मुझे अपनी यात्रा लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहीं पर आप लोग एक संकल्प लीजिए कि उन 50 में से कम 5 बेटियों के साथ आपके बेटे या नाती या कोई भी हाथ उसके साथ लेंगे
और उनके साथ शादी रचाएंगे। यदि आप ये आश्वासन देंगे तो मैं यहां से भी वापस लौटने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे राजपूतों की आन बान शान का मामला है, हम बिल्कुल इसको समझौता नहीं कर सकते। लेकिन मैं जब आगे बढ़ा और वहां के हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा किया, उस हाई कोर्ट में भी हमने जाकर के पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी और उस हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बहुत बड़ा फैसला दिया। गुमान में लोढ़ा जी थे उस समय, मुझे जहां तक याद आता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, और उन्होंने कहा ये आतंकवादी नहीं है, ये तो उस ऋषि दयानंद के शिष्य हैं जिन्होंने अपने जहर देने वाले को भी और पैसा दे करके भगा दिया था नेपाल, तो ऐसे लोगों पर ये झूठे आरोप मत लगाओ। फिर हम आगे बढ़े थे। मैं कहना ही चाहता हूं हमारे ऊपर भी जिस समय इस प्रकार के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो जयपुर की सड़कों पर 40,000 राजपूत महिलाओं का प्रदर्शन हमारी यात्रा के खिलाफ हुआ, धर्म रक्षा समिति के बैनर के नीचे। और वो महिलाएं क्या नारा लगा रही थी, सती होना हमारा अधिकार है, हमारी परंपरा है, हमारी आन बान शान है, महिलाओं को आगे करके उन्हीं के द्वारा उन्हीं के शोषण को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है उसका एक बहुत ही अभद्र का नंगा नाच हमने जयपुर की सड़कों पर उस समय देखा था। कहने का मतलब है कि आज सबरीमला में जो कुछ हो रहा है, जो महिलाएं आगे आकर के अपने ऊपर हो रहे भेदभाव को जायज ठहरा रही हैं और खुद वो कह रही कि नहीं, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होना चाहिए, लेफ्ट सरकार के रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, पत्रकारों से मारपीट कर रही हैं, तो ये सारा का सारा मैं देख रहा हूं तो जैसे लग रहा है जैसे 31-32 साल के बाद इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को, और उसी तरह का एक वातावरण तैयार हो गया है जहां धर्म ध्वजी और जिसको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट कर रही है आरएसएस बीजेपी अपने हित में, उनके पैर नहीं जम पाए, आज तक एक एमएलए नहीं बन पाया, तो सोच रहे ये एक मौका है, इसके सहारे से चाहे कितना ही इसमें हम पीछे जाएं, समाज को ढकेल दें सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी कर रही है, इनकी सरकार है केंद्र के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है, स्वयं बोले वो, राजनाथ सिंह जी का क्या स्टैंड है, वो बोले क्यों नहीं बोलते, चुप क्यों हैं, जबकि उनकी पार्टी और उनका संगठन पूरी ताकत से वहां पर सुप्रीम कोर्ट के विरोध में खड़ा। ये क्या कोर्ट की अवमानना नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है? और यदि है तो फिर ये लोग कैसे अलाउ कर रहे हैं इन चीजों को? तो ऐसी परिस्थिति में आज हमें सामाजिक धार्मिक संवैधानिक मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ने के लिए आगे आना चाहिए। और केरल समाज का मैं आह्वान करता हूं, नौजवानों का, खास करके हमारी बहनों का, कि वो आगे आए और ये जो परंपरा के नाम पर और रीति रिवाजों के नाम पर एक रूढ़िवादी चिंतन को ढोया जा रहा है, इसको बदलें और समाज आगे बढ़े। मैं तो मंदिर और मूर्ति पूजा को सही नहीं मानता, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि औरतों को बराबर का अधिकार है तो उसके लिए सरकार केरल की प्रतिबद्ध है, और मैं उनको बधाई देते हुए कहूंगा एक कदम कम से कम आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर और आगे की बहस छेड़नी चाहिए। उस समय की राजीव गांधी सरकार को मैं इस बात के लिए और बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारी इस यात्रा से, संघर्ष से ऊर्जा पैदा हुई, जागरूकता पैदा हुई, उसका तात्कालिक लाभ उठाते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में तत्काल सती प्रिवेंशन एक्ट का बिल लाए और पूरी ताकत के साथ उसको एक कानून में बदला। उस कानून के अंतर्गत सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, सती करना किसी औरत को तो दूर की बात है, सती प्रथा का जुबान से, वाणी से, नाटक से, खेल से, फिल्म से महिमा मंडन करना भी उसके लिए 7 साल की कठोर सजा, ये सारा प्रावधान है। हिम्मत नहीं पड़ी ये लोग जो वहां चुनरी महोत्सव करके 70 लाख रुपए इकट्ठे करके जो मंदिर बनाना चाहते थे देवराला जैसे गांव में, वो एक ईंट पे नहीं रख पाए, बल्कि ये सारे नेता जो तलवारें हिलाने वाले लोग थे वो जेलों में डाले गए। बड़ी मुश्किल से बाद में बीजेपी की सरकार आई तो ये लोग वहां से छूटे। उस समय राजीव गांधी ये कदम न उठाते कानून बनाने का, तो ये बात
वहीं रह जाती, उसके बाद कोई छू चपड़ नहीं, कहीं सती प्रथा का कोई न समर्थन कर पा रहा है, न मंदिर बना पा रहा, कोई भी खत्म हो गई सती प्रथा का पूरा। अभी मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, उनको आगे बढ़कर के ऐसा कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके शब्द और भावना का आदर करते हुए और एक सख्त कानून लाए कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहां पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी कारण से न जातिवाद के आधार पर और न लिंगवाद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक कानून, सख्त कानून, बढ़िया कानून बना करके लाएं तो ये प्रगतिशीलता का परिचय देंगे नरेंद्र मोदी जी, वरना ऐसा लगेगा कि जो आरएसएस और केरल की बीजेपी कर रही है उसको इनका मौन समर्थन है, और इस तरह से ये भी इतिहास के पन्नों में इसके लिए दोषी अपराधी ठहराए जाएंगे।